तो फाइनली फ्रेंड्स वो वक्त आ ही गया जब सबा अपने परिवार से जुदा होके मौदहा जा रही है। काफ़ी दिन सबा इब्राहिम ने मुंबई में बिताए और रमज़ान स्टार्ट होने से पहले मुंबई आ गई थी और अब बेटी खाला और उनकी नानी भी उनके साथ जा रही हैं क्योंकि वो भी करीबन 1.5 महीना रह के रहीं और उनके परिवार के साथ एक बॉन्डिंग बन गई थी। सारे लोग मिलजुल के अफ्तार वगैरह करते थे बट अब सब जाते समय सबकी आँखों में आंसू हैं। बहुत ही इमोशनल मोमेंट था फ्रेंड्स ये, जब किसी परिवार वाले से हम जुदा होते हैं बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे सबा इब्राहिम की आंख में आंसू थे और रो रो के उनका बुरा हाल हो गया था। फिर सनी ने उनको चुप कराया और उनकी नानी और बेटी खाला भी अब मौदहा वापस लौट रही हैं। सबसे ईदी लेके अम्मी ने ईदी दी, भाई भाभी ने ईदी दी और सबा इब्राहिम ने भी अपने भतीजे रोहान को बहुत सारी ईदी दी नम आँखों के साथ। मौदहा मुंबई सबा इब्राहिम मौदहा लौट गई जहाँ पर वो अपने सास ससुर के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके गई हैं जो उन्होंने पहुँचते ही अपने सास ससुर को दे दिए। गिफ्ट पाके उनके सास ससुर बहुत ज़्यादा खुश हो गए और उनको दुआएं दी। अब ईद सबा मौदहा में मनाने वाली है तो देखते हैं आगे मौदहा में सबा की ईद कैसी होती है। बने रहिएगा हमारे चैनल पर अपडेट जानने के लिए। और अगर आपको सबा इब्राहिम की ईद के बारे में और कुछ भी जानना है, सबा इब्राहिम कैसी लगती है अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।